हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग रिया व्लॉग। आज हम आए हैं अपने टेरेस गार्डन में और हमने देखा कि हमारे गार्डन में सबसे पहले ये ब्लू कलर के बटरफ्लाई फ्लावर, जिसको हम हिंदी में अपराजिता कहते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं। इसकी फ्लावर बहुत अच्छी आई है और आप देख सकते हैं ये 5 पेटल वाले हैं। नॉर्मली हम लोगों को जो देखने को मिलता है वो 1 पेटल का होता है, उसमें ओनली 1 पेटल निकला होता है, लेकिन ये वाले जो अपराजिता होते हैं उसमें 5 पेटल देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 2 5-5 पेटल वाले आज फ्लावर खिले हैं और इसमें बहुत सारी बर्ड्स भी हैं जिसे कल उसमें फ्लावर आएंगे। ये है हमारा नेक्स्ट बटरफ्लाई वाला प्लांट जिसको अपराजिता ही कहा जाता है। और जैसा कि मैं आप सभी को बता रही थी कि नॉर्मल जो होते हैं उसमें 1 पेटल होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 1 पेटल वाले ही अपराजिता हैं। ये है मेरे मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर, ये सुबह बहुत अच्छे तरीके से खिले हुए थे, लेकिन पता नहीं अभी धूप के वजह से क्या हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि धूप तो अभी बहुत पड़ रही है और यहाँ छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर तो 3 डिग्री बढ़ ही गया है गर्मी के कारण। ये है मेरा नेक्स्ट बटरफ्लाई फ्लावर, इसमें भी फ्लावर अच्छी तरीके से आई हैं। ये है मेरा जैस्मिन का फ्लावर, इसमें बहुत सारी बर्ड्स आई थी तो इसमें बहुत सारे फ्लावर रोज़ ही होते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। मैं एडवाइस करूँगी कि गर्मी के मौसम में आप भी इसे लगाएं, क्योंकि ये स्ट्रेस बस्ट अप फ्लावर भी है, इसकी स्मेल से सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। ये है मेरे टमाटो के प्लांट, इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 टमाटो आए हैं। और यह है मेरा दूसरा टमाटो का प्लांट, इसमें भी 2 टमाटो आए हैं, 2 या 3 टमाटोज़ आए हैं। ये मैंने ओनली बीज से लगाए थे, नॉर्मल बीज से जो हम बाज़ार से लाते हैं उससे उगाए थे, और ये आज कितना बड़ा हो चुका है और इसमें फ्रूट भी आ गया है। इसमें फ्लावर भी आप देख सकते हैं, इसके फ्लावर भी दिख रहे हैं और ये फ्रूट्स आए हैं। ये है मेरा हिबिस्कस का फ्लावर, ये पिंक कलर का हिबिस्कस शेड है और ये हाइब्रिड प्लांट है, इसके कारण ये साइज़ में छोटा है, लेकिन इसकी फ्लावर बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये है मेरा नेक्स्ट प्लांट, ये भी अगेन हिबिस्कस का ही है, लेकिन ये रेड कलर के हिबिस्कस इसमें ग्रो हुए हैं, रेड कलर के हिबिस्कस खिले हैं। ये 1 हिबिस्कस और यहाँ पे एक दूसरा हिबिस्कस भी खिला है, 2 हिबिस्कस। इसमें भी बडिंग बहुत आई हैं, इसके भी फ्लावर बहुत दिन में आते जाएंगे और इसे भगवान में भी चढ़ाया जाता है, वर्कशिप ऑफ गॉड इससे की जाती है। ये है मेरा नेक्स्ट हिबिस्कस का प्लांट, ये है स्किन कलर हिबिस्कस, ये भी नॉर्मली पूजा में यूज़ किया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग टाइप के हिबिस्कस ग्रो किए हैं। और इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स भी हमारे घर में हैं, जैसे कि पिंक, रेड और स्किन कलर, इसको ऑरेंज भी बोला जाता है नॉर्मली। ये है हमारा नेक्स्ट प्लांट, ये है रोज़ का प्लांट, ये वाइट रोज़ का प्लांट है और ये आप देख सकते हैं ये ऑफिस टाइम का फ्लावर है। ये इसमें छोटी सी एक कटिंग रह गई थी जिसके कारण ही ऑफिस टाइम का प्लांट इसी रोज़ के प्लांट में ग्रो हो गया। ये है मेरे बटरफ्लाई फ्लावर और करी लीव्स, अगेन मेरा जैस्मिन का प्लांट है, इसमें भी 2 बर्ड्स दिखाई दे रही हैं जिसमें कल तक फ्लावर आ जाएंगे। ये है मेरे पेरीविंकल के प्लांट, इसमें भी बहुत सारी फ्लावर्स आई हुई हैं, ये भी पूजाओं में वर्कशिप ऑफ गॉड के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने इसको डिफरेंट पॉट्स में भी लगाया है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, और रिकमेंड करती हूँ कि आप भी इसे अपने घर में लगाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और ये नेचुरली अपने आप ग्रो कर जाते हैं। ये है मेरे ऑफिस टाइम का वाइट कलर का फ्लावर, मैंने जनरली इसमें बहुत सारे कलर के फ्लावर लगाए थे जैसे कि पिंक, ऑरेंज, रेड, लेकिन आज इसमें वाइट वाला ही खिला है। ये अगेन मेरा हिबिस्कस का फ्लावर है, इसमें स्किन कलर का हिबिस्कस है, और ये मेरा एलोवेरा और पेरिविंकल प्लांट्स। तो ये था फ्रेंड्स मेरे आज के गार्डन का टूर, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू माई चैनल।